चढ़ाओ। तो हेलो गाइज, तो हम आज आपका स्वागत करते हैं अपने ट्रिपी कैमरा चैनल पे। हमारे भाई और ये हमारा जो वीडियो है ये हम अब बना रहे हैं अपने मेडिकल कॉलेज, मेडिकल लाइफ और मेडिकल कॉलेज का अपना पूरा टूर देने के लिए। तो आपको सारे पॉइंट वाइज हम लोग बताते हैं इस कॉलेज के बारे में, क्या एफिलिएशन है, क्या एग्ज़ाम है और क्या यहाँ की स्टडी लाइफ है, कैसे फर्स्ट ईयर में क्या क्या हमने फील किया ये बताते हैं आपको। तो कॉलेज है हमारा मधुबनी मेडिकल कॉलेज, ये है मधुबनी में। कहाँ पे भाई? मधुबनी केशवपुर में। पिन कोड 847212। कॉलेज आपको बिहार काउंसिलिंग और स्टेट सेंट्रल काउंसिलिंग दोनों से मिलता है। ये प्राइवेट कॉलेज है और इसका फीस वगैरह और फीस एडमिशन प्रोसेस और कितना कट ऑफ वगैरह है इसका, ये आपको हम लोग अपने इंस्टाग्राम पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। और कॉलेज का स्टडी पैटर्न क्या है सर? पूरा एमसीआई का नॉर्म्स ये लोग फॉलो करते हैं क्या भाई? हाँ करते हैं। बीएस वगैरह में कैडेवर चार कैडेवर होते हैं ठीक है, जिसमें से मतलब सबको 150 में सबको 25-25 करके या 50-50 करके डिवाइड कर देते हैं। और फैकल्टी का क्या है? हमारी एनआईट की फैकल्टी जो है बहुत ही बढ़िया है, एकदम एक्स क्लास। और इवन तो हमारा एचओडी बंगाल से, कोलकाता मेडिकल कॉलेज। और क्लासेस प्रॉपर होती है, डेली होती है मतलब डेली होती है, कोई गैप नहीं है हमारे क्लासेस में। और अटेंडेंस भी चाहिए, 80% के बाद चाहिए तो चाहिए। फैकल्टी बहुत अच्छी, बहुत डंडा रखते हैं अटेंडेंस के, बहुत मस्त है अटेंडेंस के, वो बहुत डंडा रखते हैं, बहुत ज़्यादा डंडा रखते हैं। और कल्चरल लाइफ क्या है? अटेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल लाइफ ये देखो, इसमें माइनॉरिटी कॉलेज उतना कुछ होता नहीं है। हाँ लाइक इवन तो हमारे यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हुआ था जब फयाज अहमद सर हमारे जो चेयरमैन हैं उनका भी, उनका किस चीज़ में हुआ था? चेयरमैन आरजेडी के मधुबनी पूरा मार्केट है, एकदम सेक्सी मार्केट। हाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टी टी में भाई मजा आता है भाई। और हॉस्टल लाइफ ही एमबीबीएस की जो जीने वाली है भाई, हॉस्टल लाइफ है जीने वाली कसम से। खाना पीना भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, हमको ऐसा खाना अपने घर पे नहीं मिलता सही में। अरे इवन तो भाई हमें किसी भाई फिट हो जा रहे हैं। इसी वीडियो के अंदर आपको साफ सारा डिटेल्स है, सारा क्लासेस की हमने वीडियो डाली है, सारे क्लास फर्स्ट ईयर के, और बुक्स वगैरह की वीडियो बाद में डालेंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे भाई का भी चैनल है डॉक्टर शिव ब्लॉग्स, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें, इसके बाद तुम हमारे जूनियर बनो के देख रहे हो वीडियो, समझ रहे हो ना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। हाँ भाई हॉस्टल में रहना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा वो दोनों को। भाई भाई रैगिंग बहुत कम होता है, इतना कम कि तुमको मजा आएगा। लीनियंस सिंपल सी होता है, लीनियंस ही रहेगी है और इज्जत मिलेगी कसम से। आप नंबर वगैरह यहाँ से नोट कर सकते हैं। लकी अपना ऑफिस हो गया। कैसा गया पेपर ब्रो? मस्त।
हमारा बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लैब। ये अपना सेकेंड ईयर का बैच का क्लासेस यहाँ चलते हैं डिपार्टमेंट। ये है हमारा दोस्त शान, हमारे दो दोस्त ये लोग सब एग्जाम दे के आ रहे। कैसा गया भाई पेपर? पूछिए ही नहीं। हमारा हॉस्पिटल पैरामेडिकल भी कोर्सेज चलते हैं। इफ यू वांट एडमिशन कॉन्टैक्ट माधोबनी मेडिकल कॉलेज। और हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान भारत से लिंक है, तो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे कॉलेज में। अभी ये थोड़ा शाम का टाइम है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं, सिर्फ इमरजेंसी वार्ड और कुछ कुछ वार्ड खुला है, इसीलिए थोड़ा भीड़ कम दिख रहा है। ये हमारे इंटरनल मेडिसिन के HOD सर हैं, हमारे प्रिंसिपल भी हैं। इधर हम लोग का सारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, सेंट्रल लैब भी है। अभी कॉलेज हम लोग का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। रनिंग कितने सारे रनिंग कॉलेजों से अच्छा है हम लोग का कॉलेज, क्यों ईशान? बिल्कुल, पढ़ाते भी हैं सेकेंड ईयर सच में। अच्छा अच्छा से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, सब कुछ फ्री है। यूएससी लगता है यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट, अब किसी भी बीमारी का ओपीडी इधर हो गया, बहुत ज़्यादा मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा आपका, बस दवाइयों का पैसा लगता है। ड्रामा डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी, चलो रहने, ब्लड बैंक अभी ओपन हुआ है, इसकी वीडियो मैं डाल दूंगा, ब्लड बैंक की हम लोग उस वो भी जाएगा, हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट ब्लड बैंक के डोनर थे अपने कॉलेज के। इधर अपना हो गया, इधर मेडिसिन वाला हो गया, फार्मेसी, ओवरऑल बहुत सही जगह है इवन फॉर स्टूडेंट्स। और ये तो इस कॉलेज के बारे में और क्या बताना है, जैसे कि पढ़ाई, मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, तो बढ़िया ही पढ़ाई होता है ब्रो, पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। और एग्ज़ाम तो सबके फटती रहती है, MBBS लाइफ में यही होता है, यही सच्चाई है। मेजर पार्ट ऑफ MBBS लाइफ इज एग्ज़ाम। और ये अपना पीछे का एग्जिट है हॉस्पिटल का, इमरजेंसी एग्जिट यही है, इमरजेंसी एग्जिट यही है, सारे एम्बुलेंस वगैरह यहीं रहते हैं। बाकी ओवरऑल कॉलेज के बारे में क्या बोला जाए भाई? कॉलेज क्या ही बोले अभिषेक भाई, कॉलेज बहुत ही बढ़िया है फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, अगर आप देखिए बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। और कॉलेज का लोकेशन मधुबनी मेन शहर से बस थोड़ा सा पहले है, थोड़ा सा मतलब 3 किलोमीटर बाहर है मधुबनी शहर में। आपको होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्या? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और मधुबनी भाई आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब बिहार है तो यहाँ क्लब नहीं होता है मेरे भाई, ना क्लब ना तो कैरम और बास्केटबॉल ही आपका यहाँ जिंदगी है, आपका आउटडोर लाइफ पूरा ख़त्म है एक तरफ से यहाँ पे।
लेकिन जरूरी भी है, क्या करोगे यार मेडिकल में आके, वैसे भी आउटडोर लाइफ खत्म हो ही जाता है, तो देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग अबाउट इट. सही बात है. और इफ यू जस्ट ट्राई एंड से एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स रॉन्ग. बिकॉज़ मेडिकल में यू आर सपोज्ड टू बी फोकसिंग ऑन योरसेल्फ एंड ऑन योर स्टडीज. मेडिकल में तुमको मतलब चाहिए बाहर का लाइफ, यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, दैट इज नॉट मेंट फॉर इट. ये अपना हॉस्पिटल है, ये अपना कॉलेज है, वो अपना फर्स्ट मेन एंट्रेंस है वहाँ पे, वो भी दिखाऊंगा आप सबको. ये अपना एग्जिट है और हम लोग का बस यही है दुनिया यहाँ पे. थोड़ी बाहर भी दिखा देता हूँ. सारे डॉक्टर्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे मेडिकल, सारे यही मिलेंगे आपको. कॉलेज का लुक यहाँ से देख सकते हो आप सामने, बड़ा कॉलेज यार, अच्छा लगता है यहाँ पे. काफ़ी काफ़ी मस्त माहौल है यहाँ का, गजब का माहौल है. और वेदर की बात की जाए, मेरे को सबसे सही चीज़ लगता है वेदर. ए सारी तरह यही है बिट्टू भैया का दुकान. सारे डॉक्टर्स स्टूडेंट्स यहीं मिलेंगे, पैरा मेडिकल स्टाफ रात भर खाना पीना खाते हैं. ये है हमारे कॉलेज का एंट्रेंस और ये है मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हिमालय यादव और ईशान. ये अखिल और आटो दोस्त, मेरे जिगरी दोस्त. ये है हमारा कॉलेज, ये है हमारा ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड. सबको दिखा दिए भाई. ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, ये हॉस्पिटल है. और वो जो सामने दिख रहा है वो है हमारा हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल. हॉस्टल में क्या मिलेगा आपको? हर फ्लोर पे वाटर कूलर, एक कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, कपड़ा डालने के लिए कुछ नहीं है. आइए रूम दिखाते हैं. बढ़िया बढ़िया. कैसा गया पेपर? बढ़िया भाई, बहुत अच्छी गया, लिटरली बहुत अच्छी. बढ़िया, थोड़ा लेंथी था बस. लेंथी था भाई, लेंथी था, काफी बढ़िया था. ये है मेरा रूम. वैसे आपको रूम मिलता क्या है? एक अलमारी, बेड, चेयर टेबल, ये बस ऐसा रूम मिलता है आपको. बस सही है. और हॉस्टल के बारे में क्या है, आपको टाइमिंग मिलती है रात में बाहर बाहर नहीं जाना है, ये सब? बाकी सारी फैसिलिटी आपको हॉस्टल में जो है आपको चाहिए, बस लाइट हमेशा अवेलेबल है. यहाँ से चालू होता है अपना मेस. बटर नान. ये है बॉयज सेक्शन. ये सारे हमारे बैच के बंदे हैं, अभी एग्जाम खत्म हुआ है, सब खाना खाने से पहले आ गए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रिपी कैमरा.